सो है गाइस, वेलकम टू चैनल सिंह सब ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरी मां सब बड़े हो गाइस। सो फ्रेंड्स, आज यार हम दर्शन करेंगे श्री ज्वालाजी माता का, और बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही जो है मज़ा आने वाला है। पहली बार जो फ्रेंड्स दर्शन करेंगे हम, और फ्रेंड्स कल तो हमने चिंतपूर्णी माता का दर्शन किए थे, एंड आज हम करेंगे ज्वालाजी माता का दर्शन। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग यार रूम में थे, फिलहाल अभी हम लोग तैयार व्यार होकर निकल चुके हैं फैमिली के साथ माता का दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये द्वार जो है लिखा हुआ है शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर मार्ग। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो है ये मार्ग जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार यहाँ पे, और यहाँ से आप सीधे चले जाओगे ना तो आपको ज्वालाजी माता का जो मंदिर है मेन वो दिख जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं हम माता का दर्शन करने, देखते हैं कि काफ़ी भीड़ है या क्या है, कैसा है। जो कि यार हम लोग ने चिंतपूर्णी माता दर्शन तो कर लिया था, मैक्सिमम मुझे लगता है कि आधे से एक घंटा वहाँ पे लगा था, अब यहाँ देखते हैं कि कितना घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, हर प्रकार के प्रसाद की, चुनरी की, माता की, मतलब हर प्रकार की दुकानें हैं लगी हुई, यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हो। ठीक है, एंड फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं माता के दर्शन करने, फिर उसके बाद जो है आगे दिखाएंगे आपको। ठीक है, लेट्स गो। निकल चुके हैं फैमिली के साथ से ज्वालाजी माता का दर्शन करने के लिए उनकी मार्ग की ओर। और फिलहाल फ्रेंड्स अभी बता दूं आपको कि जो यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही बड़ी मार्केट है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कई प्रकार के जो है प्रसाद मिल जाएंगे, एंड जो भी आप चाहो, जो भी आपको लेना हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सब देख सकते हो कि मार्केट कुछ ऐसी है। और डायरेक्ट मैंने जब वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और वहाँ उनके मार्ग तक, ठीक है, तो आपको जो भी लेना हो सामान वगैरह यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, एंड फिलहाल अभी बात की जाए यार यहाँ के चढ़ाव की, तो कुछ ऐसा है कि धीरे धीरे कुछ जो है रास्ता बड़ा होता जा रहा है, मतलब ऊँचा होता जा रहा है। सो इतना भी ऊँचा नहीं है कि हम लोग चढ़ नहीं पाए, पर कोशिश ये रहेगी कि माता का दर्शन जो है जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि यार इतने काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि क्या ही बताऊँ, बस क्या ही बताऊँ। तो है यार जब हम लोग निकल चुके हैं यार, अब इतना मैं आपको एक शॉकिंग वाली बात बता दूँ कि यार आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतनी बड़ी ज़्यादा भीड़ है, लाइन से देख रहे हो यहाँ पे आप, ये जो पूरी लाइन जा रही है वो माता के दर्शन की तरफ जा रही है, और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि एक अंकल ने बताया कि 2 से 3 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने में। तो यार मैं तो शौक हो गया, मतलब इतना जो है टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, अब दर्शन तो माता के करने ही है। फिलहाल अभी इतनी लंबी भीड़ है आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा दूँ आपको। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा लंबी भीड़ है, तो अब क्या करेंगे, रुकना ही पड़ेगा एंड लाइन पर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तब तक कुछ ये मार्केट है यहाँ पे, आपने मार्केट देखा ही है, और हमारी फैमिली जो है इन सफ़ेद कपड़ों में यहाँ खड़ी है, ये मान्या है मान्या। मान्या सोएगा जरा, अभी 1 से 1.5 घंटे के बाद हम लोग यार घर आ चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ का थोड़ा मुख्य द्वार माता का जो है वो आ चुका है। ठीक है, एंड अभी यार देख सकते हो मेरे पीछे कितनी सारी ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और अभी भीड़ जो है बहुत ही बढ़ती चली जा रही है और फैमिली लोग भी हमारे पीछे खड़े हुए हैं, और आगे देखते हैं कि आगे जाके इतना जो है कितनी देर में दर्शन हो पाते हैं। फिलहाल तो यार बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही आनंद आ रहा है, इतना जो है पहली बार जो है हम लोग हिमाचल प्रदेश में हैं, माता के दर्शन करने बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट अब चलते हैं अंदर और फिर आपको वहाँ के दर्शन करवाते हैं। ठीक है, तो गाइस हम लोग मंदिर के द्वार तक पहुँच चुके हैं, और अभी आप पीछे देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ठीक है, और हमारे जो भरियार वाले हैं उधर खड़े हुए हैं। सो मैं तो यही कहूँगा यार कि
आप देख सकते हो कि वहाँ पे आगे जाना है उस तरफ, और मंदिर के कपाट मुझे लगता है कि 11:30 बजे बंद हो जाएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट 1 बजे खुलेंगे। तो कोशिश यही रहेगी 11 बजे तक हम लोग पहुँच जाएँ। ठीक है, चलते हैं आगे और फिर दिखाते हैं आपको कहाँ का व्यू। सुबह का यार हम लोग यहाँ से तो निकल चुके हैं आप देख सकते हो, और अभी हम लोग आ चुके हैं डायरेक्ट यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन भी लगी हुई है, माता का दर्शन करवा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और अभी आगे भी ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, वहाँ पे ही भीड़ है। सो कोशिश ये रहो कि जल्दी दर्शन हो जाए। सो अगर फाइनली हम लोग पहुँच गया यहाँ पे, आ चुके हैं आप देख सकते हो, माता जी का मंदिर वहाँ पे है, और कुछ ऐसा सीन है यार, कुछ सब बड़े बड़े पहाड़ हैं, और इसके जो अंदर जाने के लिए मंदिर के जाना पड़ेगा हम लोग को यार यहाँ से। काफ़ी देर बाद यार हम लोग को खड़ा खड़ा होते होते यार जब पैर वैर दब गया सब बढ़िया से अच्छे से, काफ़ी टाइम हो गया। एंड अभी चलते हैं अंदर और अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं आपको। ठीक है, सो रास्ता तो यार यहीं से जा रहा है। मान्या जय माता दी। सब देख सकते हो यार, सब यहाँ का गेट है, सब लोग जा ही रहे अंदर। एंड चलो भाई चलो, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। सो गाइस, सब चलते चलते रास्ते यार बहुत ही कठिन होते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रास्ते यार से हम लोग को इतना गुजर चुके हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही एकदम इतनी पतली पतली जगह थी कि क्या ही बताऊँ मैं। और अभी भी मुझे लगता है कि रास्ते बहुत ही कठिन हैं। सो यहाँ पे कई प्रकार के यार भगवान की मूर्ति बनी हुई है, और बहुत ही आनंदमय ये माहौल लग रहा है। सो एक आज हम लोग यार प्ले ग्राउंड में भी आ चुके हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे वो हवन कुंड है, यज्ञशाला है नीलकंठ महादेव जी का, देख सकते हो यहाँ पे यार फैमिली वाले जितने भी हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं वो अभी हवन करवाएंगे, और हवन कंप्लीट का मैं आपको कुछ सीन ऐसा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये अभी हवन हो रहा है, और हवन करने के बाद माता का दर्शन करेंगे हम लोग। ठीक है, सो फ्रेंड्स तब तक ये हम लोग हवन करवा रहे हैं, बाकी मैं यहाँ के मैं बात बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे यार हर प्रकार के रास्ते में, मतलब जितने भी रास्ते हैं यहाँ पे हर जगह भंडारा हो रहा है, हर जगह जो है लंगर की सुविधा है, और नवरात्र के महीने में ऐसा क्या है कि ना हर जगह जो है कन्या पूजन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे भंडारा कराया जाता है, कई प्रकार का भंडारा किया जाते हैं। ठीक है, तो हर जगह यहाँ पे मतलब क्या है कि कोई भी इंसान भूखा तो नहीं रह सकता, और मंदिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैं। आप देख सकते हो कि ज्वाला जी के यहाँ पे आप देख सकते हो मंदिर काफ़ी ज़्यादा है, मैंने यूट्यूब पे देखा था कुछ ऐसा ही सीन था, और आज मैं माता के लाइव दर्शन करूँगा, बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा, और पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मस्त अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। तो सुबह तब तक यार यज्ञ हो रहा है, तब तक करते हैं स्टॉप, एंड मैं भी थोड़ा यज्ञ में शामिल हो जाऊँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यार आप भी जाओ हवन करवा दो, आप भी हवन करवा दीजिए, करवा दिया आपने यार, मैं भी हवन करवा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई यार, मोबाइल बहुत ही गर्म हो गया है हाथ में, कैसे पकड़ रहा हूँ मुझे पता है, इतनी गर्मी है वहाँ पे, और कुछ पूजा वूजा हो रही है वहाँ पे, तो वो लोग करवा लेंगे, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा वहाँ पे,
और छोटी बाबू वहाँ पे है, बहुत रो रही है वहाँ पे यार। तो धूप भी है और धूप में आके तो मुझे और गर्मी लग रही है। तो 2 मिनट के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फ्रेंड्स, अब कुछ जाके रिलैक्समेंट फील लग रहा है। एंड इस यात्रा का मैंने पूरा आपको ब्लॉग दिखाया, पूरा आपको अभी दिखा रहा हूँ, इस यात्रा का पूरा ब्लॉग दिखा रहा हूँ और किस प्रकार से पूजा किया जाता है और किस प्रकार के रास्ते हैं यहाँ से और कैसे कैसे मतलब जाना है वो आप सब देख रहे हो। शायद अगर आप फ्यूचर में यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे आसानी होगी आने में, ठीक है। और सब लोग फैमिली लोग आ गए हैं और उसके बाद हम लोग माता के दर्शन करने जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं माता के दर्शन करने। यार हम लोगों ने ज्वालाजी मुखी माता का दर्शन कर लिया है और फिलहाल हम माता जी का दर्शन कर रहे हैं और अभी आपने देखा ही तो काफ़ी ज़्यादा यार बड़ा मंदिर है। मज़ा जो है दर्शन करके बहुत ही आनंद आया, बहुत ही इतना अच्छा लगा कि मैं क्या ही आपको बताऊँ, इतना अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग इतनी मतलब दिक्कत हुई ना दर्शन करने में, लेकिन अच्छे से हो गया दर्शन। इतनी भीड़ थी क्या ही बताऊँ मैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अभी, ये द्वार के निकलने के बाद यहाँ पे कुछ है, ये लिखा हुआ अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र, यहाँ पे अकबर जी ने कुछ ये छत चढ़ाया था माता जी को। और यहाँ फैमिली लोग अभी बैठी हुई हैं। तो गाइस चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं। अगर फाइनली यार हम लोग अभी रूम पे आ चुके हैं और माता का दर्शन करके बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया। एंड ज्वालाजी माता का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यार, पतले पतले इतने रास्ते थे और इतना देर खड़ा होना पड़ा ना कि क्या है मैं बताऊँ आपको, लेकिन बहुत ही बस मज़ा आया। और भाई जो माता की जो जोत जल रही थी, वो आग जो कहते हैं लोग, मैंने पूछा कि भाई ये कैसे मतलब ये इसका चमत्कार क्या है, तो उन्होंने बताया पंडित जी ने कि ये बिना तेल या घी के जलती है, हमेशा 24/7 जलती रहती है। और यही माता का आशीर्वाद है हम सबके ऊपर, हमारे भारत के ऊपर, और ऐसे ही बने रहे। और आप सब भी, हम जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं एंड व्यूअर्स अभी आप देख रहे हैं, माता की कृपा आप सब पे बनी रहे, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज का तो ये व्लॉग था ज्वालाजी माता का और बहुत ही मज़ा आया, ठीक है। फ्रेंड्स हम करते हैं व्लॉग का डी एंड। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग ये अच्छा लगा होगा एंड आपको ये माता का दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम करते हैं व्लॉग का डी एंड। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।